स्त्री टू फिल्म जो कि इन दिनों चारों तरफ चर्चाओं में चल रही है, क्योंकि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की इस फिल्म को पब्लिक की तरफ से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला था, और खासकर इस फिल्म के अंदर सरकटे को पब्लिक ने काफी ज्यादा पसंद किया था। और अब सरकटे के किरदार को निभाने वाले सुनील कुमार को लेकर के एक अपडेट आई है, तो आइए जानते हैं इस अपडेट के बारे में। दरअसल रिसेंट में सुनील कुमार ने पिंक विला से बातचीत करते हुए बताया है कि अब उन्हें यश की फिल्म टॉक्सिक और बिग बॉस के लिए ऑफर आया है, और इसी के साथ साथ में सुनील कुमार ने यह भी बताया कि कैसे उन्हें सरकटे का रोल मिला। सुनील ने कहा कि वो दिल्ली के रेसलिंग ग्रुप से जुड़े हुए थे, और तब उनके पास फोन आता है और उनसे कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई लंबी हाइट वाला रेसलर है तो बताइए, जिसके बाद सुनील का नाम रिकमेंड किया गया। और सुनील ने इसके साथ बताया कि इससे पहले वो कई वेब सीरीज और कई विज्ञापन में काम कर चुके थे। और सुनील ने यह भी बताया कि हाल ही में रिलीज हुई कल की 2898 में उन्होंने अमिताभ बच्चन के बॉडी डबल का किरदार भी निभाया था, और इसी के साथ साथ उन्होंने अमिताभ बच्चन से अपनी मुलाकात का किस्सा भी सुनाया था। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्हें स्त्री टू फिल्म के मेकर्स का कॉल आया, और इसके बाद स्त्री टू फिल्म के मेकर्स ने उनकी प्रोफाइल को देखकर उन्हें मुंबई बुलाया। और अब सुनील ने अपने आने वाले प्रोजेक्टों के बारे में भी बात की है। सुनील ने कहा है कि अब मुझे बिग बॉस से भी कॉल आई है, और बिग बॉस वाले मुझे अक्टूबर के महीने में बुलाना चाहते हैं, और फिर मुझे केजीएफ वाले यश की फिल्म के लिए भी सितंबर के महीने में बुला रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे इस फिल्म का नाम फाइनल पता नहीं है, और अभी मैंने बिग बॉस के लिए भी हाँ नहीं की है, क्योंकि उसे कंफर्म करने के लिए मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पुलिस में हूँ और मुझे फिल्म की शूटिंग के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वैसे तो सुनील ने यश के साथ आने वाली फिल्म के नाम को नहीं बताया है, लेकिन अब पब्लिक ये अनुमान लगा रही है, और ये रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक फिल्म होने वाली है, और इस फिल्म के अंदर सुनील एक महत्वपूर्ण किरदार निभा सकते हैं, जैसा उन्होंने इंटरव्यू में बताया है। और इस इंटरव्यू में सुनील ने यह भी बताया है कि वो बॉलीवुड के अंदर सलमान खान के साथ काम करना चाहते हैं, और अगर उन्हें हॉलीवुड में काम करने का मौका मिलता है तो वो हॉलीवुड के अंदर भी काम जरूर करेंगे। और फिलहाल के टाइम में रॉकिंग स्टार यश और नयनतारा ने टॉक्सिक फिल्म की शूटिंग को शुरू कर दिया है, और इस फिल्म के अंदर नयनतारा जो कि रॉकिंग स्टार यश की बहन के किरदार को निभाती हुई नजर आएंगी। हालांकि इस किरदार को पहले करीना कपूर निभाने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से करीना कपूर इस फिल्म से बाहर हो गई थी, और अब रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक फिल्म के अंदर फाइनल चार एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं, जिसमें सबसे पहले नयनतारा, दूसरा हुमा कुरैशी, तीसरी क्यारा डवानी और चौथी एक्ट्रेस तारा सुतारिया होने वाली है, जो कि इस फिल्म का अहम हिस्सा होने वाली है। और रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक फिल्म जिसको गीतू मोहनदास डायरेक्ट करने वाली है, और रॉकिंग स्टार की ये फिल्म हमें 10 अप्रैल 2025 में देखने को मिलने वाली है। तो क्या आप रॉकिंग स्टार यश की इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे